हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू बेसिक्स टू एडवांस चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टेक सम इंग्लिश ग्रामर टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, विच यू कैन सी इन द स्क्रीन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट। फिर भी इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होता है, प्रॉब्लम्स होता है, डिफिकल्टीज होती है, कौन सा कैसे चेंज करना है। अभी पूरा एक साथ सभी सेंटेंस को तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अभी पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस या बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में कवर कर सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बीच बीच में स्किप करके देखेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा, ग्रामर इनकम्प्लीट रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझेगा, कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला एसर्टिव सेंटेंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस होता है। अगर डायरेक्ट में सेड टू आया तो इनडायरेक्ट में टोल्ड हो जाएगा, करेक्ट। डायरेक्ट में सेज आया तो इनडायरेक्ट में सेज हो जाएगा। सेज रहेगा तो सेज चेंज नहीं होता, सेड रहेगा तो सेड भी चेंज नहीं होगा। आई रहेगा तो ही सी, वी रहेगा तो दे, यू रहेगा तो ही, आई रहेगा तो ही सी, यू में भी ही सी आता है, ठीक है, ही और सी दोनों होते हैं, ठीक है। इज एम आर होगा तो वॉज वेयर हो जाएगा, विल सेल हो जाएगा वुड हो जाएगा, हैज एव रहेगा तो हैड हो जाएगा, सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट में टी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट इज द सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो दीज आर द टेबल विच जिसके हेल्प से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे एक रूल दिया है, फर्स्ट पर्सन अगर जैसे सपोज क्वेश्चन में आई आया है तो स्पीकर बोलने वाले के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन अगर है तो लिसनर के हिसाब से चेंज करेंगे। कैसे रूल चेंज होगा ध्यान से देखना, खाली टेबल माइंड में रखो, सॉल्व करते रहने आपको ये सब हेल्प होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आई सेड टू किरण आई एम गोइंग टुमारो फॉर पिकनिक, आई सेड टू किरण आई एम गोइंग टुमारो फॉर पिकनिक। अब ये मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया कि ये सेट टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड। तो पहले क्या करेंगे, सेट टू की जगह पे टोल्ड लिखेंगे, ठीक है, आंसर चेक करते हैं। आई टोल्ड किरण, आई टोल्ड किरण, और जो डबल एंड कॉमा और कॉमा रहता है ना उसको दैट से जोड़ने का, किससे जोड़ने का, दैट से। आई टोल्ड किरण दैट, अभी आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, यहाँ बोलने वाला कौन है, आई है, आई मतलब जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे आई की जगह पे ही या सी दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो आई की जगह मैंने क्या लिखा, ही। इज एम आर, एम है तो इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वेयर में, ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, गोइंग, टुमारो का चेंज हो जाता है नेक्स्ट डे, टुमारो क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, ऐड कर दूंगा, टुमारो का चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो आई टोल्ड किरण दैट ही वॉज गोइंग द नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, आई टोल्ड किरण दैट ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक। तो एसर्टिव सेंटेंस में हमेशा याद रखो, सेट टू की जगह पे टोल्ड आएगा, सेट टू अगर चेंज होगा तो टोल्ड हो जाएगा, किरण ऐसे रहेगा, डबल कॉमा और कॉमा की जगह पे क्या लिखेंगे, दैट, आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है स्पीकर के हिसाब से, इज एम आर की जगह वॉज, गोइंग, टुमारो का नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ठीक है। तो मैं चाहिए तो टुमारो का क्या होता है, यस्टरडे का क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट टेबल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीना सेड टू महेश यू हैव नॉट गिवन मी नोट्स। अब यहाँ पे सेट टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टोल्ड आ जाएगा, तो रीना टोल्ड महेश, इसकी जगह पे दैट आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब बोलने वाले, लिसनर, सुनने वाले के हिसाब से, तो यहाँ सुनने वाला कौन है, महेश, बोलने वाला कौन है, रीना, महेश कौन है, लड़का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। तो रीना टोल्ड महेश दैट ही हैज़ हैव किस में चेंज होता है, हैड में, तो हैज़ हैव चेंज होगा, ही हैड नॉट गिवन मी, मी मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब रीना, मी की जगह पे आ जाएगा लड़की के हिसाब से हर, हर नोट्स, मतलब रीना टोल्ड महेश दैट ही हैड नॉट गिवन हर नोट्स। तो आंसर चेक कर लेते हैं, यस, रीना टोल्ड महेश दैट ही हैड नॉट गिवन हर नोट्स, समझ गए। तो आप लोगों को आई होप ये दोनों क्वेश्चन के एग्जांपल के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़ा क्लियर हुआ रहेगा। तो सबसे पहला रूल है, सेट टू की जगह पे टोल्ड लगाओ, अगर सेज रहेगा तो सेज ही लिखो, सेट रहेगा तो सेट ही लिखो, लेकिन यहाँ पे सेट टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे, बाकी लिसनर को कॉपी करेंगे, डबल इट कॉमा और कॉमा की जगह पे दैट लगेगा। हाँ, जैसे अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसकी फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर के हिसाब से लिखो, इज एम आर रहेगा तो वॉज वेयर लिखो, हैज़ वेयर तो हैड लिखो,
फिर ऐसी कॉपी करो टुमारो, जो भी सेंटेंस रहेगा उसको चेंज करना। मतलब इसमें दो एग्जांपल से आपको बेसिक क्लियर हो गया रहेगा। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो स्पीकर के हिसाब से, सेकंड पर्सन रहेगा लिसनर के हिसाब से। सेड टू है तो टोल्ड लिखो, सेज है तो सेज लिखो, सेड है तो सेड लिखो, राइट। आई है तो ही सी, वी रहेगा तो दे, यू रहेगा तो ही, ही और सी दोनों आएगा यहाँ पे। इज एम आर रहेगा तो वॉज वेयर, विल सेल रहेगा तो वुड, हैज है तो हैड, सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे देखो चेंज किया टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, नाउ का देन, ठीक है। बाकी टेबल वैसे ही है, जो कुछ नए नए आते रहेंगे तो ऐड करते जाऊँगा। आई सेड आई एम गोइंग टुमारो फॉर पिकनिक। अब यहाँ पे सेड तो सेड ही रहता है, मैंने पीछे वाले स्क्रीन पे देख लेना, सेड को सेड ही लिखते हैं। तो आई सेड दैट, आई की जगह पे आई इज़ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब स्पीकर, स्पीकर कुछ भी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है। तो ही वॉज, इज एम आर की जगह पे वॉज, ही वॉज गोइंग, टुमारो की जगह पे क्या आएगा नेक्स्ट डे, ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, क्लियर। नेक्स्ट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आई सेड दैट ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना सेड सन राइज फ्रॉम ईस्ट, रीना सेड सन राइज फ्रॉम ईस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर कोई जीवन की सच्चाई दी रहेगी या कोई अपने को ट्रुथ दिया रहेगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होता, टेंस एज इट इज़ कॉपी करते हैं, सेंटेंस में कुछ भी चेंजेस करते नहीं है। जैसे यहाँ पे आंसर रहेगा रीना सेड दैट, सेम कॉपी करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अगर अपने को कुछ फैक्ट फाइल दिया है या कुछ जीवन की सच्चाई दी है या अपने को कोई जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में जनरल नॉलेज की चीज़ें दी है तो उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेज आई एम गोइंग टुमारो फॉर पिकनिक। तो आंसर क्या आएगा, आई सेज दैट, आई की जगह फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन लड़का लड़की पता नहीं, तो ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ठीक है। आई सेज दैट ही वॉज गोइंग नेक्स्ट डे फॉर पिकनिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीना सेज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, रीना सेज हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो ये भी फैक्ट फाइल है, थॉट है, तो उसको भी एज इट इज कॉपी करना है। रीना सेज दैट हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझ गया आपको, तो आप लोग को आई होप ये भी सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया रहेगा, ये भी समझा रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिया है। आई सेड टू रचित वी विल सेलिब्रेट फेस्टिवल दिस ईयर इन वेरी ट्रेडिशनल वे। तो इसका आंसर आपको लिखने खुद से आना चाहिए, मैंने लिखा नहीं है, मैंने ब्लैंक लाइन रखा। मैं एक बार एक्सप्लेन करो, सुन लो। आई सेड टू की जगह पे आ जाएगा टोल्ड, आई टोल्ड रचित दैट, वी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन है, वी को देखो तो वी किस में चेंज हो रहा है, दे में, तो दे विल हो जाएगा वुड, दे वुड सेलिब्रेट फेस्टिवल दिस की जगह पे आता है दैट, दैट ईयर इन वेरी ट्रेडिशनल वे। तो आई टोल्ड रचित दैट दे वुड सेलिब्रेट फेस्टिवल दैट ईयर इन वेरी ट्रेडिशनल वे। रीना सेड अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ पे सेम आएगा, रीना सेड दैट अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। आंसर विल बी सेम, नो चेंज, बिकॉज इट इज़ द थॉट ऑफ लाइफ। रुद्रा सेड टू रेवंती रूम इज सो क्लीन टूडे, तो रुद्रा टोल्ड रेवंती दैट रूम वैसे रहेगा, इज एम आर की जगह पे वॉज, रूम वॉज सो क्लीन दैट डे, टुडे का हो जाता है दैट डे। रीमा रुद्रा सेड टू रुद्रा टोल्ड रेवंती दैट रूम वॉज सो क्लीन दैट डे, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल सेड टू टीचर आई वुड चेक अटेंडेंस, आई विल चेक अटेंडेंस बुक टुडे। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख के देना है, अगर कोई डाउट रहेगा तो मुझे ज़रूर पूछिए, ठीक है। तो आई होप आपको assertive सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई होप समझ गया रहेगा, कुछ भी डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और कोई टॉपिक के बाद, इसके अलावा assertive सेंटेंस के बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, imperative सेंटेंस आता है, उसका हम लोग एग्जांपल कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क, बाय।